यमुना के जलस्तर लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां यमुना किनारे रहने वाले लोगों में चिंता सताने लगी है, वहीं प्रशासन का इस कोई ध्यान नहीं है। यमुना के केसी घाट पर इस पार से उस पार जाने वाले ग्रामीणों को पांचून पुल के टूट जाने के कारण नावों के सहारे अपना सफर तय करना पड़ रहा है। कमाल की बात यह है कि भले ही यमुना का जलस्तर बढ़ गया हो, लेकिन नाव चालकों के चेहरे फिर उदास है। उनका कहना है कि पहले ही यमुना की हालत बद से बदतर थी, बाकी की कसर यमुना के बढ़ते जलस्तर में आए दुर्गंधित पानी ने पूरी कर दी है। एक नाव चालक ने बताया कि यमुना आए जल की दुर्गंध इतनी भयानक है कि आचमन तो दूर बल्कि पास खड़ा होना भी संभव नहीं है। आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, अब यहाँ क्या कार्य करते हैं आप? नाव चलाते हैं। अच्छा, तो अभी आज दिख रहा है यमुना में जलस्तर ज्यादा दिख रहा है, कितना पानी बढ़ा है लगभग? आज करीब करीब नहीं तो 3-3.5 दिन तक पानी बढ़ चुका है। ये पानी कब से बढ़ रहा है? ये कल शाम से पानी बढ़ा है। ये क्या कारण है पानी बढ़ने का? ये यमुना का आसपास में बारिश हो रही है या कहीं से पानी छोड़ा जा रहा है? कहीं से बारिश का ही पानी है, पता नहीं है छोड़ा जा रहा है कि नहीं रहा जा रहा है। ये गंदा पानी आ रहा, नहीं रहा, गंदा पानी है, बदबू आ रही है, आप देख नहीं रहे बदबू आ रही है इसमें? तो यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं इस पानी में? फिर नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे तो आते हैं तो श्रद्धालु तो करते ही हैं, लेकिन वो भी निंद्रा करके जाते हैं कि कैसा पानी आ रहा है, पता नहीं ठाकुर जी यमुना जी। प्रशासन का कोई प्रशासन में कोई आया अभी? क्या प्रशासन करेगा उसमें, प्रशासन क्या कर सकता है? यमुना जी हैं जी, ये तो सब बात बनाने की है कि शुद्ध होगा, ये होगा, कुछ नहीं है। कितने दिन से पानी बढ़ रहा है लगभग? पैसा तो ये 5-7 रोज से पानी बढ़ रहा है, लेकिन कल जो पानी बढ़ा है, कल शाम से पानी बढ़ा है। नावों का संचालन जारी है? नावों का संचालन? हाँ, नावों का संचालन तो जारी है, यात्री है ही नहीं कोरोना।